अरे अरे बच्चों जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ के रेडी हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। हादी शिफा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। हादी रोज की तरह लेट हो जाओगे। नहीं चलो खड़े हो जाओ। हादी बेटा खड़े हो जाओ। क्या है मम्मा, नींद पूरी नहीं होती और स्कूल का टाइम हो जाता है? क्या है मम्मा, स्कूल जाना जरूरी होता है क्या? हाँ बेटा स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं इतने ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब तुम स्कूल जाते हो। मुझे देखो खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ, मेरे तो मजे ही मजे हैं। इतराओ नहीं, तुम्हारे भी बारी आने वाली है स्कूल जाने की। अभी तो मैं बच्चा हूँ। आधी उठो चलो स्कूल चलते हैं, देर हो रही है। ये तो हमें ऐसे ही छेड़ता रहेगा। जाओ जाओ स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे सोऊंगा। बल्लू बेटा इधर आओ। जी मम्मा। जाओ बल्लू, मम्मा बुला रही है। बल्लू बेटा मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा। बल्लू बेटा मैं सोच रही हूँ कल से तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। क्या स्कूल? हाँ बेटा स्कूल। नो मम्मा नो, अभी तो मैं छोटा सा हूँ। अरे बेटा आप अब बड़े हो गए हो, माशाल्लाह से बड़ी बड़ी बातें भी करते हो, तो स्कूल जाना तो बनता है ना आपका। आहा कल को बल्लू स्कूल जाएगा, हमारा भाई बड़ा हो गया। हादी कल को बल्लू स्कूल जाएगा। मम्मा अभी तो मेरे पूरे दांत भी नहीं निकल रहे हैं। बल्लू झूठ मत बोलो, तुम्हारे दांत आए भी और कीड़ा भी खाकर चला गया। मम्मा शिफा तंग कर रही है। मून बेटा जल्दी इधर आओ। जी मम्मा आपने मुझे बुलाया। मून बेटा शाम को भाई को स्टेशनरी का सामान दिलवा कर ले आना। पर मम्मा क्यों, बल्लू को क्या जरूरत है स्टेशनरी के सामान की? क्योंकि कल को हमारा छोटा भाई बल्लू स्कूल जाएगा। क्या सच्ची? फिर तो मम्मा लाजिम मैं अपने भाई के लिए स्टेशनरी का सामान लेकर आऊंगा शाम को। बल्लू शाम को भाई के साथ जरूर चले जाना स्टेशनरी का सामान लेने, क्योंकि सुबह तुमने स्कूल जाना है। मून भाई हम भी आपके साथ जाएंगे स्टेशनरी का सामान लेने। बल्लू देखो तुम्हारे कितने सारा सामान आ गया। बल्लू ये देखो तुम्हारा बैग कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। कल को तुम स्कूल जाओगे ना? हाँ जाऊंगा। चलो चलो बल्लू बेटा स्कूल का टाइम हो गया, खड़े हो जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है। चलो चलो स्कूल चलो। मम्मा सोते सोते क्यों उठा दिए, सोने दो ना। अरे बेटा तुम्हें स्कूल जाने, चलो स्कूल चलते हैं। मैं स्कूल नहीं जाना। स्कूल तो मैं जा रही थी। मैं मामा मुझे जा, मामा मुझे
अरे बेटा स्कूल जाते हो। मम्मा जल्दी आ जाए, बल्लू को ले आए, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे बेटा चलो। आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी। बेटा बेटा स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चलो। मैं स्कूल नहीं जाना। अरे तुम्हें तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। खैर तुम ऐसे नहीं मानोगे मोहन, बेटा जल्दी आओ और इसको स्कूल छोड़ कर आओ। अब मोहन ही तुम्हें स्कूल छोड़ कर आएगा। मोहन बेटा चलो अपने तीनों बहन भाइयों को स्कूल छोड़ कर आओ, और खास तौर पर इसको गोद में उठा के लेकर जाना, स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। बोलो चलो स्कूल। मैंने जाना। मम्मा आप तो टेंशन ही ना लें, इसको स्कूल लेके जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। स्कूल नहीं जाना। तुम्हें तो स्कूल जरूर जाना पड़ेगा। अरे 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 चलो छोड़ो मुझे, तुम्हें तो आज स्कूल जाना ही पड़ेगा। चलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल तो बच्चों तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चलो। मेरे हाथ पे काट गया। देखो मेरे हाथ पे कितनी जोर से काट गया। अरे भाग रहे, पकड़ो इसको। जो अब तू पकड़ा गया, अब कोई होशियारी की ना तो फिर देखना। अब चलो चुपचाप स्कूल। शिवा आज मेरे साथ खेलो ना। नहीं भाई, स्कूल का बहुत ज्यादा होमवर्क है, तुम ही खेल लो। और तुम भी तो आकर अपना होमवर्क करो। बल्लू स्कूल का होमवर्क करो वरना डंडे पड़ेंगे, डंडे। ना खेलो, तुम तो किताबी कीड़े हो। सुबह मैं स्कूल नहीं जाना, बहाना क्या करूं। हाँ ये ठीक है। बल्लू उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या है आपी? बल्लू उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। उठो, आ तो फिर फस गए, स्कूल जाना पड़ेगा, क्या करूं? अरे क्या हुआ शिफा? मम्मा इसके पेट में बहुत दर्द है। क्या पेट में दर्द हो गया? अरे बेटा क्या हुआ? मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, एक मिनट मेरा फोन। बस बेटा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आप ऐसा करें आप हमारे घर आ जाएं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आना। बस आने वाले हैं डॉक्टर साहब। मुझे तो लग रहा है बल्लू ड्रामा कर रहा है, अभी डॉक्टर आएंगे ना, इसको इंजेक्शन लगाएंगे, सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। आइए डॉक्टर साहब बैठिए। डॉक्टर साहब देखें ना, इसके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज इसको चेक करें। अरे बल्लू बेटा आपने क्या खाया था? डॉक्टर साहब पिज्जा खाया था, पिज्जा। अच्छा बेटा, अभी चेक करता हूँ आपका पिज्जा किधर है।
यहाँ है पिज्जा, यहाँ है दादू साहब गुदगुदी आ रही है, यहाँ है डॉक्टर साहब प्लीज इसको चेक करें, कहीं इसकी स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। आए, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। बेगम साहिब अगर आप चाहती हैं ना इसको जल्दी आराम आ जाए तो इसको तो यही वाला इंजेक्शन लगेगा। अच्छा इसको इंजेक्शन लगेगा, ठीक है डॉक्टर साहब लगाएं इसको इंजेक्शन आप। अरे बेटा कुछ नहीं होता, अरे बेटा कुछ नहीं होता, अरे 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 बेटा लगवा लो इंजेक्शन, कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा लगवाते हैं, अरे बेटा चलो लेकर दोबारा। अरे बेटा लगवाना है डॉक्टर साहब, लगाना है इसको इंजेक्शन लगा। ठीक है बेगम साहब आप इसको पकड़िए रखिए, मैं इसको इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर साहब लगाएं इसको इंजेक्शन, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। बेटा फिर आपको पेट का दर्द तंग करता रहता, अब तो आपको आराम आ गया है ना। अच्छा बेगम साहिबा मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो बल्लू अब पेट का दर्द ठीक हो गया है ना, अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सब चलो बच्चों स्कूल चले जाओ, हमें छुट्टी। छुट्टी को तो तुम नाम भी मत लेना, चलो भाई का हाथ पकड़ो और इसे स्कूल लेकर जाओ। बल्लू तुम रुक क्यों गए? शीफा ये देखो मेरे पास क्या है, चॉकलेट। बल्लू मुझे दे दो, बल्लू मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे। बल्लू मैं तुम्हारी एक ही बहन हूँ इसलिए चॉकलेट मुझे देना। बल्लू तू मेरा प्यारा भाई है ना, मुझे चॉकलेट देगा ना? ये चॉकलेट मैं तुम दोनों को दूंगा। तुम स्कूल तो नहीं लेके जा रहे ना? Oh no! क्या छुट्टी करेंगे? नहीं बल्लू स्कूल तो जाना पड़ेगा, अगर छुट्टी कर ली और घर गए तो मम्मा बहुत ज्यादा डांटे। चॉकलेट मेरे पास एक प्लान है, जल्दी सुनो। मेरा प्लान है कि हाँ हम पार्क में जाकर टाइम गुजारते हैं, छुट्टी टाइम घर वापस आ जाएंगे, अब मम्मा समझेगी हम स्कूल से आए हैं। अब चॉकलेट दे भी दो। चलो पार्क चलते हैं। हाँ चलो। अच्छा चलो ठीक है। अरे ये तो स्कूल से कॉल आ रही है। जी मैडम क्या बच्चे स्कूल से एब्सेंट हैं? लेकिन मैडम वो तो घर से स्कूल के लिए निकले थे, क्या स्कूल नहीं पहुंचे अभी तक? अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। हाय मेरे बच्चे किधर चले गए, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, पता नहीं किस हाल में होंगे, चलो देखती हूँ। जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा लो, छुट्टी का टाइम होने वाला है, घर भी जाना है।
चलो बस चलो, छुट्टी हो गई होगी, चलो। शिफा, हादी, बल्लू जल्दी इधर आओ। जी मम्मा। मेरे बच्चों का दिन आज कैसा गुजरा स्कूल में? मम्मा बहुत अच्छा दिन गुजरा, मैंने खूब दिल लगा के पढ़ा। जी मम्मा बहुत पढ़ाई की है। अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ाई की? जी मम्मा पढ़ पढ़ के थक गए हैं। चुप, बिल्कुल चुप, खामोश हो जाओ। तुम स्कूल जाते तो पढ़ते ना, तुम तो स्कूल गए ही नहीं। तुम्हारी मैम की कॉल आई थी मुझे, कह रही थी बच्चे तो एब्सेंट हैं, बच्चे तो आए नहीं, और मैंने तो तुम्हें स्कूल भेजा था सुबह। बेटा सच सच बताओ मुझे, और हाँ झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना। मम्मा मम्मा प्लीज नाराज मत हो, हम बताते हैं हम पार्क गए थे। बेटा बल्लू तो बच्चा है, तुम दोनों इसकी बातों में आ गए। सॉरी मम्मा। कितनी बुरी बात है, आप लोग स्कूल जाने के बजाय पार्क में अपना टाइम बर्बाद कर कर आ गए, और वो भी बिना परमिशन के। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब मैम की कॉल आई और मैम ने कहा बच्चे तो स्कूल आए ही नहीं है। मेरे दिल में तो इतना इतना डर आ रहा था कि पता नहीं बच्चे किधर चले गए, कहीं इनको किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। और तुम पार्क में थे। प्लीज हमें सिर्फ एक बार माफ कर दो। ओके ठीक है, लेकिन बेटा एक बात मेरी याद रखना, घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर, और कहीं नहीं जाना आपने। हमारी प्यारी मम्मा।